1, अगर आप दिन में एक बार दालचीनी और अदरक की चाय पीते हैं तो इससे फेफड़ों में जमा कफ खत्म होता है, साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है। 2, 1 महीने तक लगातार रात को 15 से 20 गिट्टी अखरोट की भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। 2 महीने लगातार इस उपाय करने से घटिया का रोग जड़ से ठीक हो जाता है। 3, हर रोज 6 बादाम, 10 किशमिश, 1 अंजीर और 7 पिस्ते खाए। इससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स बालों को काला करने में मदद करेंगे। 4, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको अंगूर के जूस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अंगूर में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। 1, अगर आप दिन में एक बार दालचीनी और अदरक की चाय पीते हैं तो इससे फेफड़ों में जमा कफ खत्म होता है, साथ ही सर्दी जुकाम की समस्या दूर होती है। 2, 1 महीने तक लगातार रात को 15 से 20 गिट्टी अखरोट की भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। 2 महीने लगातार इस उपाय करने से घटिया का रोग जड़ से ठीक हो जाता है। 3, हर रोज 6 बादाम, 10 किशमिश, 1 अंजीर और 7 पिस्ते खाए। इससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स बालों को काला करने में मदद करेंगे। 4, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको अंगूर के जूस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अंगूर में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है।